मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग स्पेशल ट्रेवल फिल्म पचमढ़ी धूपगढ़। और आज मेरे साथ काफ़ी सारे स्पेशल सब्सक्राइबर लोग हैं, पूरी महादेव सेनाएं स्पेशल नागपुर से। और जी हां, उमाकांत सर को तो आप जानते ही होंगे, जो कि श्री नागदोरी सेवा ट्रस्ट मंडल नागपुर महाराष्ट्र, नागदोरी सेवा मंडल ट्रस्ट मंडल नागपुर महाराष्ट्र। और बड़ी खुशी की बात है कि आज अचानक सर डायरेक्ट मुझे पचमढ़ी में मिले। तो ये जो फ्लो है अपना आज स्पेशल धूपगढ़ पचमढ़ी, जैसे कि आपको पता है यहीं से अपन नागद्वारी महादेव यात्रा के लिए स्टार्टिंग करते हैं। और ये अपनी पहली पायरी है नागद्वार पचमढ़ी की धूपगढ़। और अपनी पूरी महादेव सेना आज बहुत खुशी की बात है कि उमाकांत सर है और अपनी पूरी मंडल की टीम है श्री नागद्वार स्वामी सेवा ट्रस्ट मंडल नागपुर महाराष्ट्र। ऑफकोर्स गाइज, यू कैन ऑल्सो चेक दिस आउट पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, जिसमें आपने सर के मंडल का पूरा ग्रुप आपको देखने को मिलेगा 2019 यात्रा में, 2020 यात्रा में। और इसी के साथ साथ अपन इस आज की ट्रेवल फिल्म को स्टार्ट करेंगे, धूपगढ़ पचमढ़ी स्पेशल। ओके गाइज, तो धूपगढ़ पचमढ़ी की स्टार्ट अपन अभी कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने गाइज बताया कि नागपुर महाराष्ट्र से आज काफ़ी सब्सक्राइबर लोग और महादेव सेना अपनी आई है। उमाकांत सर को तो आप जानते ही हो। और बेसिकली देखा जाए तो जो गणेश मूर्ति है अपनी नागद्वारी की पहली पायरी है, आप सभी लोग जानते हो, यहाँ से नागद्वारी यात्रा स्टार्ट होती है। तो ये मूर्ति ना एक्चुअली खंडित हो गई है। तो यहाँ पर अपने सर का प्लान भी है कि इसको रिकंस्ट्रक्ट कराएंगे। और मेरा मानना है कि SDM सर को इसको जल्दी से कराना चाहिए, क्योंकि जो गणेश भगवान जी आप देख रहे हो वो खंडित हो गई है, देखो। और ये अपना मेन पॉइंट है जितनी भी यात्रा होती है। और देखो, जैसे कि मेरे साथ सर है, ओ माय गॉड, सर कैसा क्या कहना है आपका, जैसे मूर्ति खंडित भी हो गई है? अभी मूर्ति खंडित हो गई, एक तो मेला समिति ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, एक बात। हाँ सही बात, तो हम मंडल द्वारा डोनेट करना चाहते हैं, ठीक है, आप कर दो उसकी स्थापना। हाँ, हम कर देंगे उसकी स्थापना, सिर्फ आप बोल दो ऑफिशियल अनऑफिशियली करने को, तो हम सही बात है। सर का ये कहना है कि देखो, क्योंकि भक्तों की जो भावना है, भावना को ठेस पहुंचती है। हाँ, पूरी जो भगवान जी गणेश जी की जो मूर्ति है वो पूरी टूट सी गई है। तो मेरा मानना है कि सर इसके ऊपर थोड़ा सा कार्रवाई करे, तो महादेव मेला समिति की तरफ से इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाना ही चाहिए, उनका काम ही है बेसिकली। और मेरा मानना है कि इस ट्रेवल फिल्म या वीडियोस को साडा टीम देख रही है, तो इस पर काम जरूर करे। इसके संबंध में साहब से जाके हम, हाँ हाँ, मेला समिति के जो सचिव है, हाँ हाँ, तुम्हारे अपने SDM सर, SDM साहब है, तहसीलदार है, हाँ सही बात, उनसे मिलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हम डोनेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो चलो, आप बोल दो कि भाई आप ये कर दो, हम आपके सामने सब व्यवस्थित कर देंगे, तीनों जगह। सही है, सही है। तो ये भी बहुत बड़ी सही बात है कि सर आप खुद, मेरा मानना है कि थोड़ा SDM सर से डिस्कस कर ले, तो ये काम जल्दी हो जाए। मुझे आज नोटिस किया, जब मुझे सर मिले तो आज मुझे मूर्ति टूटी दिखी, मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया कि यार थोड़ा सा बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अपनी पहली पायरी है। और ये भैया आप तो महादेव सेना अपनी मेन है, जो कि हर साल नागद्वारी में, मुझे लगता है सर अपने ट्रस्ट को 30-35 साल से ज़्यादा हो गए ना, तो बड़ी इसकी बात है कि, और मेरा मानना है कि नागद्वारी यात्रा हो चाहे कोई भी यात्रा हो पचमढ़ी में, अपना महाराष्ट्र और नागपुर का जितने भी भगत है, महादेव सेना है, बहुत ही उनका साथ और हाथ रहता है पूरे कंस्ट्रक्शन में, हर चीज़ ये इन्होंने ही बनाई है बेसिकली। और मेरा मानना है कि आप गवर्नमेंट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी सभी लोग यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। और सर आज अचानक कैसे आना हुआ? अभी इस साल नागपंचमी में कुछ आना हुआ नहीं। हाँ सही तो बोले, COVID-19 की वजह से पूरा मेला इस साल बंद रहा, मन तो मानता ही नहीं, सही बात, गाइडलाइन गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई, इसीलिए हम लोग चले आए। हरियर हरियर, चलो बहुत अच्छा लगा आज सर से मिलना भी हो गया मेरा, क्योंकि ये पूरी महादेव सेना नागद्वारी में 15-20 दिन लगातार काम करती है, लाखों यात्री आते हैं जैसे कि आपको पता ही है। तो जैसा सर ने मुझे अपडेट दिया तो मैं भी आज चलाया, मैंने कहा चलो आज अपना एक लोकेशन शूट भी इसके ऊपर, धूपगढ़ का पॉइंट है जैसे कि आपको मैंने पहले बताया। और यहाँ पर जो भी यहाँ की अथॉरिटी है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इसको मैनेज करके इसका मूर्ति स्थापना की जाए। चलो, ये धूपगढ़ अपना पॉइंट है, धूपगढ़ की पहाड़ी, और यहाँ से अपनी नागद्वारी यात्रा।
तो सर इस साल, हाँ बोलो ना, इस साल नागद्वारी का कैसा क्या कहना था, जैसे कोविड 2019 भी था तो इसके पहले तो हमने डिसीजन ले लिया सभी मंडलों ने बैठकर। जी हाँ, हमारी महादेव नागद्वार यात्रा पचमढ़ी, जी जी जी, पूर्ति समिति जो है, सही है सही है, सभी पूरे मंडल है सही है, पहले ही शासन के पहले हमने बैठकर एक फैसला ले लिया कि भाई अपन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकते। सही है सही है, लाखों लोगों का भीड़ भाड़ का मेला है, सही है, प्रॉब्लम है, तो हमने पहले शासन को, मेला समिति को हमने पहले मीटिंग लेकर अपना डिसीजन ये कर दिया कि भाई हम चाहे कुछ भी हो जाए हम मेला में ऐसा व्यवस्था नहीं कर सकते, ऐसा अभी देखो अभी नेक्स्ट ईयर क्या होता है। और मेरा मानना है गाइस कि सर का बहुत हाथ रहा इस साल, जो पेंडेमिक सिचुएशन थी तो अपने उमाकांत सर ने बहुत हेल्प की है, पूरी यात्रा को कंट्रोल किया है, इनकी टीम को भी बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान और वो कहते हैं ना भक्त और भगवान के बीच कितना ये होता है। बहुत अच्छी बात है कि अपने उमाकांत सर ने पूरी, मैंने जैसे नोटिस किया पूरी यात्रा इन्होंने हैंडल की है ना, तो अगर यात्री आ जाते ना तो मुझे लगता नहीं क्या होता पचमढ़ी का, बहुत ही हाहाकार सा मच जाता। तो इस यात्रा जो 2020 की जो यात्रा है उसमें इन सभी महादेव सेना और उमाकांत सर की टीम को और श्री नागद्वार स्वामी सेवा मंडल नागपुर महाराष्ट्र को बहुत बड़ा थैंक यू मेरी तरफ से मैं बोलना चाहूँगा। और इस यात्रा को, इस ट्रेवल को अपन आगे बढ़ाते और हाँ देखते रहिए। हर बोला हर महादेव, चलो हर यार, चलो नागद्वारी तो नहीं बट आज सभी से, पूरी महादेव सेना से मुलाकात भी हो गई। और आज ये जो पहली पहरी अपन जो मानते हैं धूपगढ़ पिलग्रिम ट्रैक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, यहाँ तक के अपन ने दर्शन भी कर लिए। और अगर जिसको नहीं पता है गाइस, आपको पता ही है धूपगढ़ पचमढ़ी से ही नागद्वारी यात्रा की स्टार्ट होती है। चेक इट आउट, सभी नागद्वारी यात्रा स्पेशल बनी है, तो आप आई बटन में या इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है तो चेक करना बिल्कुल ना भूले। फाइनली हम धूपगढ़ म्यूजियम में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बेसिकली अगर इस म्यूजियम के अंदर आप आते हो तो आपको जितनी भी इस एरिए में एसटीआर बफर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद के अंदर जितनी भी लोकेशन है इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगी। और ऑफकोर्स मेरे साथ उमाकांत जी है तो आपको धीरे धीरे इस म्यूजियम के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी फोटो है, जैसे कि यहाँ पर अपनी धूपगढ़ वैली का है, उसके बाद में ये अप्सरा विहार का है, जैसे कि और ये रजत प्रपात की फोटोज़ है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिखा भी है तो कि क्या हिस्ट्री थी समथिंग लाइक। जैसे मैं हर बार आपको सिंगल सिंगल ट्रेवल फिल्मों में बनाता हूँ, यहाँ पर अप्सरा विहार है, रजत प्रपात है, उसके बाद में ये रम्या कुंड है यहाँ पर में, जो कि आपको सर बताते बताते चल रहे हैं। ये जो पूरा म्यूजियम है एक अमेजिंग म्यूजियम है, धूपगढ़ पहाड़ी के ऊपर मिलेगा आपको, यहाँ पर भी टूरिस्ट एक अट्रैक्शन के रूप में आप देख सकते हो। ये वाला सर ये रीसगढ़ है, रीसगढ़ का स्पेशल ट्रेवलर गाइड बना है तो आप चेक कर सकते हैं चैनल पर। उसके बाद अपन नेक्स्ट लोकेशन कवर करें तो डचेस फॉल, अभी अभी अपन ने रिलीज किया है कुछ दिन पहले, स्पेशल अमेजिंग यार, ये तो क्या खतरनाक लोकेशन है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि अपने साथ उमाकांत जी है, वो अपने को ये है अपना बी फॉल, ऑफकोर्स बी फॉल का भी स्पेशल ट्रेवल फिल्म बनी है तो आप चेक कर सकते हैं, ऑफकोर्स ए टू जेड डिटेल्स गाइड एंड पांडव गुफा, पांडव गुफा आपको कुछ दिन बाद ऑफकोर्स हम देखने को मिलेगी। ये है अपना रोरी घाट से याद आया, फॉरेस्ट रोड, हाँ ये फॉरेस्ट रोड है, जैसे कि आपको याद आया कि अपन जब यात्री, हाँ अभी क्या हल्का हल्का अंधेरा हो गया थोड़ा तो अपने को थोड़ा कम फ्लो मिलेगा। ओके और अपना महादेव भाई साहब जो पचमढ़ी में स्थित है, जो पचमढ़ी में जटाशंकर। ओके अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, हाँ जिस कमरे जिस बिल्डिंग के अंदर अपन है वो ये वाली फोटोज है जो अभी आपको सिनेमेटिक में सामने देखने को मिलेगी। और वाटर लुक मैन, बहुत अच्छे से
एमपीटी सतपुड़ा और फॉरेस्ट की तरफ से। हाँ, और ये जैसे मैंने आपको हिल दिखाया था, यहाँ पर इस म्यूजियम में आपको कई सारे जो पचमढ़ी की जितनी भी लोकेशंस है उनके बारे में लिखा है, उनकी कुछ फोटोज देखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट कमरे में अगर अपन घुसते हैं धूपगढ़ म्यूजियम, तो ये अपना नागद्वारी का निशानगढ़, और ये अपना है निशानगढ़ जो कि काजरी में जो स्थित है, काजरी में जो स्थित है। आपको कुछ दिन पहले मैंने निशानगढ़ का स्पेशल एक वीडियो ट्रेवल फिल्म दिया है, तो आपको देखने को मिलेगा। और निशानगढ़ हिल, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा भी है, कजरी ग्राम के समीप स्थित निशानगढ़ पर्वत के शिखर पर आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण देव स्थल है। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है देव स्थल है। प्रतिवर्ष ग्रामवासियों द्वारा पूजा के उपरांत यह निशान स्वरूप झंडा लगाने का कारण इसका नाम निशान पर्वत पड़ गया। इस पर्वत को दक्षिण दिशा से देखने पर गणेश जी की आकृति का आभास होता है, इसीलिए इसे गणेश पर्वत भी कहा जाता है। देखो भाई, अमेजिंग अमेजिंग फैक्ट। और अपन आगे चलते हैं तो कजरी गांव, ये कजरी गांव था पहले, अभी तो स्थानांतरित हो चुका है। हाँ, अभी इसको स्थानांतरित कर दिया कजरी गांव को। जैसे अपने को भाव ने बताया कजरी गांव, जैसे आप नाम से ही आपको पहचान आ गया होगा कि नागद्वारी यात्रा जाते हैं तब ऑफकोर्स आपको स्पेशल पार्ट टू से स्टार्टिंग मिलेगी। 2015 में इसको शिफ्ट किया गया, काजरी गोरी घाट गोरी वन्य जीव के लिए इसे सुरक्षित किया गया, और अभी वन्य जीव के लिए अभी अच्छा आबादी। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था टाइगर रिजर्व है तो खतरा बहुत रहता है। तो ये जो लोकेशन गाइस आपको दिखा रहे हैं हम, ये थोड़ी कठिन वाली लोकेशन है, और ये भाई साहब निशानगढ़ पूछो मत, भयंकर कठिन लोकेशन है जो कि एक साल में एक बार खुलता है एज ए नागद्वारी यात्रा। नेक्स्ट लोकेशन और सर अपने को बताएंगे? ये रोरी है, गांव उठने के बाद में पूरा ग्रास का या ये करा है। हाँ, तो ये रोरी घाट भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स है, रोरी घाट पचमढ़ी। ये बहुत, जैसे कि अब चलो नेक्स्ट लोकेशन में फटाफट दिखा दो, ये बेल खंडार है भाई साहब, नागद्वारी जाते तब ही मिलता है। जैसा कि बेल के खंडे के भांति, बैल के खंडे के भांति इसका आकार है, और ये पहाड़ी में सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ वैशाख में लोग निशान चढ़ाने जाते हैं। हाँ, वैशाख महीने में। अगर मतलब सर बेसिकली देखे तो ये भी नागद्वारी यात्रा टाइम ही स्थान है, और नागद्वारी यात्रा टाइम में ही बेलखंडार हमने पास से तो नहीं गए, लेकिन आपको ट्रेवल फिल्म में दूर से दिखाया, तो आप जहाँ कमेंट करते हैं वो पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा। अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ की प्रजातियाँ पाई जाती है, एक से एक दवाई है भाई साहब, बेलखंडार गजब ही है, बड़े बड़े कुंड, और ऑफकोर्स की इनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है। चलो नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं, और ये कई सारे, हाँ ये वाले मैंने आपको दिखाया था अभी जब मैं गया था आपको डचेस फॉल में, तो यही वाले फूल और पेड़ जो जड़ी बूटी है वो दिखाई थी। ये जो धूपगढ़ का म्यूजियम है इसमें कई सारे ऐसी अमानत संभाल के रखी है, फोटोज हो गया कि जैसा कि तवा नदी पर जो बांध, हाँ क्या 52,600 हेक्टेयर में, बापरे 52,600 हेक्टेयर में होशंगाबाद तवा बांध, होशंगाबाद तथा हरदा जिले की जीवन रेखा है। तो ये तवा नदी यानी हमारे लिए तो भाई साहब ये एक जीवनदायिनी है, जीवनदायिनी है। सतपुड़ा और नर्मदा, सतपुड़ा और तवा, तवा सतपुड़ा के अंदर ही आता है, फैला है। और ये भाई साहब अपने मेन ये नागद्वारी के नागद्वार महादेव भाई साहब, ये देखो धूपगढ़ महादेव की थोड़ी पास से मूर्ति दिखाता हूँ मैं। ये देखो स्पेशल ट्रेवल यात्रा फिल्म गाइड बना है, तो आप चेक कर सकते हैं, 2020 का भी अपन ने दर्शन कराए थे। ये जो नागद्वारी की पहाड़ी है, ऑफ कोर्स मेरे पास अभी श्री नागद्वारी सेवा मंडल नागपुर महाराष्ट्र अपने उमाकांत सर है। आज कितनी अच्छी किस्मत की, आज अपने को सर मिल गया तो बहुत कुछ घूमने को मिल रहा है। चलो नेक्स्ट लोकेशन है गिद्धरहवास का है, ये गिद्धरहवास, ये देखो इसके लिए अपन कभी कोशिश करेंगे, यहाँ पर अभी अपन गए नहीं है, थोड़ी सी ये भी कठिन सी पहाड़ी है ना सर थोड़ा। हाँ, निशान करके ये इसमें देखो, ये देखो बड़े बड़े गिद्ध यहाँ बैठे हैं। हाँ, ये भी बड़े गिद्धों की प्रजाति है वहाँ पर, यहाँ पर नागद्वारी में ही इनकी प्रजाति, यानी कि ये सुरक्षित जगह यही है। हाँ हाँ, तो मतलब कि कुल मिला की बात है कि ये भी लोकेशन जो दिखाई हमने आपको, ये भी नागद्वारी यात्रा के टाइम बनती है। चलो नेक्स्ट लोकेशन है नागफनी कैक्टस, कैक्टस नागफनी, ये देखो फोटो थोड़ा सा क्या लाइट कम है, तो आई होप आप मैनेज कर लोगे क्योंकि अंधेरा हो रहा है, 4 से 5 बज चुके हैं और हम आपको जल्दी जल्दी में हर पॉइंट दिखा रहे हैं। 10 नंबर पर है एक कंकड़ परत लेयर, पेबली लेयर। हाँ ये देखो पत्थरों में, पहाड़ों में
कंकड़ 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 का मतलब, हाँ मतलब एक एक अमेजिंग सी फैब्रिक डिजाइन मिलेगी आपको। ये 10 से 15 पॉइंट गाइस, ये है धूपगढ़ का म्यूजियम। कभी धूपगढ़ आप आते हो तो इस म्यूजियम में अंदर घुस के आप देख सकते हैं। चलो तो आप बाहर निकलते हैं और इस ट्रेवलर को आगे बढ़ाते हैं। ओके गाइज, अब अपन धीरे धीरे धूपगढ़ पहाड़ी की ओर और ऊपर की ओर चढ़ाई करेंगे। नागफनी से धूपगढ़ की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर, कठिन घाटी है। बाइक और जिप्सी को बहुत ही ध्यान से चलाना है, थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आप भाड़ भूड़ गिर सकते हो, खाई में गिर सकते हो, खतरा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डेंजरस एक्सीडेंट हो चुके हैं क्योंकि सीधा का सीधा ही है, सिंगल फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चढ़ेंगी। अगर आप बाइक से या टैक्सी से या जिप्सी से आते हो तो आपकी गाड़ी सैनिटाइज होगी। ऑफकोर्स इसका किराया रेट मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि बाइक का डिपेंड करता है कितने पर्सन है, 1, 2, 3 आपका पर पर्सन के हिसाब से 50, 100, 200 रुपीज़ किराया लग सकता है। बाइक सैनिटाइजेशन का 50 रुपीज़ अभी लिया जा रहा है। और अगर आप जिप्सी या सफारी बुकिंग करते हो तो आप लोकल से ही कोई भी जिप्सी उठा सकते हो, आपका पूरा किराया भाड़ा सैनिटाइज करना वही जिप्सी ड्राइवर या गाइड देखेगा, ठीक है। इन बातों का गाइस आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर स्पेशल में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नागद्वारी यात्रा में पहली पहरी महादेव की निशानी है, जो यहीं से यात्रा स्टार्ट होती है। इनकी स्पेशल ट्रेवल फिल्म 2020 की भी बनी है, आप वीडियो के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और जहाँ आप कमेंट करते हो वहाँ पर भी हमने अपडेट कर दिया है, जो आपको देखने को मिलेगा। धूपगढ़ में सनसेट पॉइंट, सनराइज पॉइंट, जो म्यूजियम हमने दिखाया, ये आपको काफ़ी अमेजिंग अमेजिंग पूरा सतपुड़ा का जंगल, पूरा सतपुड़ा टाइगर और पचमढ़ी, यहाँ से आपको ऊपर आप खड़े रह के इंजॉय कर सकते हो। टूरिस्ट लोकेशन यहाँ पर अमेजिंग अमेजिंग आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। धूपगढ़ का टाइमिंग है 10 से सुबह 3 बजे तक के, सुबह 10 से 3 बजे तक के, और 3 बजे के बाद इस पहाड़ी से आपको जल्दी से निकल जाना है ताकि जानवरों का खतरा न रहे, ये भी बात का आपको ध्यान रखना है। टिकट का जो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि टिकट सिस्टम डिपेंड करता है आप कैसे जा रहे हो। बाइसन लॉज में टिकट, जो सरकारी लॉज है, बाइसन लॉज का मतलब है कि एक टाइप का सतपुड़ा और वन विभाग का ऑफिस है, वहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया तो आप चेक जरूर करें, लिंक वीडियो के नीचे अटैच कर दिया है। और गाइस यहाँ पर धूपगढ़ पहाड़ी पचमढ़ी बस स्टैंड से धूपगढ़ की दूरी लगभग 10 से 15 किलोमीटर पड़ती है। पैदल, टैक्सी, सफारी, बाइक से आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस धूपगढ़ की पहाड़ी के जो बीच में, धूपगढ़ पचमढ़ी बस स्टैंड से लेकर धूपगढ़ के बीच में बहुत सारी लोकेशन पड़ती है इसी छोटे से रोड पे, जैसे कि बी फॉल, डचेस फॉल, रीजगढ़, रम्या कुंड एंड वॉट एवर। इनका स्पेशल ट्रेवल गाइड बना है तो आप सिस्कोटेक चैनल पर जाके जरूर दिखे। बस गाइस फिर मैं जल्दी मिलता हूँ एक नई ट्रेवल फिल्म के साथ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।